गाइस, वेलकम टू फिजियो वर्ल्ड। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है सेरिब्रल पाल्सी का टॉपिक। इस वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है सेरिब्रल पाल्सी की, उसकी इटियोलॉजी को डिस्कस करेंगे, उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, सेरिब्रल पाल्सी की कितनी टाइप्स होती हैं और क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, सेरिब्रल पाल्सी होती क्या है। इट इज़ अ न्यूरोमोटर डिसऑर्डर। ये एक न्यूरोमोटर डिसऑर्डर है जो रिजल्ट होगा फ्रॉम नॉन प्रोग्रेसिव डैमेज टू द डेवलपिंग ब्रेन। डेवलपिंग ब्रेन पे डैमेज होगा, लेकिन कैसा होगा? नॉन प्रोग्रेसिव होगा, प्रोग्रेस नहीं करेगा। ये कॉमन डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था विलियम लिटल ने इन 1840s में। इट इज़ अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी द अदर टू बींग ऑटिज्म एंड मेंटल रिटार्डेशन, जो कंसिडरेबल हार्डशिप क्रिएट करते हैं टू द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के लिए और उसकी फैमिली के लिए। अगर हम इसकी एटियोलॉजी देखते हैं, थ्री मेन कॉजेज हो सकते हैं सेरिब्रल पाल्सी होने के। सबसे पहले प्रीनेटल, देन पेरीनेटल और पोस्टनेटल। प्रीनेटल है कि बर्थ से पहले कुछ फैक्टर्स होंगे, उसकी वजह से सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है। पेरीनेटल में है कि ड्यूरिंग बर्थ कुछ ऐसे फैक्टर्स हुए हैं, कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से सेरिब्रल पाल्सी हुई है। और पोस्टनेटल में है कि बर्थ के बाद के कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सेरिब्रल पाल्सी हुई है। सबसे पहले प्रीनेटल देखते हैं कि बर्थ से पहले कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। टॉर्च इन्फेक्शन, जिसमें है टेक्सोप्लास्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगलोवायरस है, हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस, इन इन्फेक्शन की वजह से सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है। स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फॉल और ड्रग एडिक्टेड मदर, ये सारे फैक्टर्स हैं जो सेरिब्रल पाल्सी कॉज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास पेरीनेटल। पेरीनेटल है कि ड्यूरिंग बर्थ कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ, लाइक फोर्सेप डिलीवरी के दौरान ब्रेन को डैमेज हो सकता है। फिर ब्रीच पोजीशन है, दिस इज़ द ब्रीच पोजीशन, यू कैन सी। ब्रीच पोजीशन की वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी है हुई है और इंटेंगलिंग ऑफ प्लेसेंटा अराउंड द नेक, या जो प्लेसेंटा था वो नेक के अराउंड क्या हो गया, इंटेंगल हो गया, जिसकी वजह से सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है। नेक्स्ट है पोस्टनेटल। पोस्टनेटल बर्थ के बाद जॉन्डिस की वजह से, चाइल्ड को अगर जॉन्डिस हो गया या वो हाइट से गिरा, या न्यूनेटल में कुछ इन्फेक्शन है हो गया, लाइक अगर मेनिनजाइटिस हुआ है, तो उसकी वजह से भी सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं सेरिब्रल पाल्सी की। सबसे पहले आती है टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास है क्वाड्रिप्लीजिया, हेमीप्लीजिया, पैराप्लीजिया, मोनोप्लीजिया और डायप्लीजिया। क्वाड्रिप्लीजिया में है कि ऑल फोर लिम्स आर इन्वॉल्व, चारों लिम्स इन्वॉल्व होंगे, लाइक अपर लिम्ब के दो लिम्स भी और लोअर लिम्ब भी। हेमीप्लीजिया में होगा कि हाफ ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व हुई है। पैराप्लीजिया में है कि बोथ लोअर लिम्स आर इन्वॉल्व, दोनों लोअर लिम्स इन्वॉल्व हैं ज़्यादा। और मोनोप्लीजिया में है कि सिंगल लिम्ब इन्वॉल्व है। डायप्लीजिया में कि ऑल फोर लिम्स आर इन्वॉल्व, लेकिन जो लोअर लिम्स होते हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं एज कम्पेयर टू अपर लिम्स। ये आप देख सकते हैं मोनोप्लीजिया में है कि एक लिम्ब इन्वॉल्व हुआ है। हेमीप्लीजिया में वन जो साइड होगी बॉडी की वो अफेक्ट होगी। डायप्लीजिया में अपर लिम्ब भी हो सकते हैं, लोअर लिम्ब भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं, लोअर लिम्ब्स इन्वॉल्व हैं। क्वाड्रिप्लीजिया में क्या है कि अपर लिम्ब भी इन्वॉल्व होंगे और लोअर लिम्ब भी इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है सेरिब्रल पाल्सी की, वो है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन की बेस पे हम सेरिब्रल पाल्सी को डिवाइड करते हैं स्पास्टिक में, एथेटॉयड में, एटैक्सिक में, फ्लैसिड में और मिक्स सेरिब्रल पाल्सी में। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है। लाइक अगर मोटर कॉर्टेक्स डैमेज हुआ है, ये पार्ट ब्रेन का डैमेज हुआ है, तो
जो सेरेब्रल पाल्सी होगी हम उसे बोलेंगे स्पास्टिक, और 80-90% केसेस में स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसकाइनेक्टिक। इसमें क्या होगा कि बेजल गैंग्लिया डैमेज होगा, ये 6% केसेस में मोस्टली होता है। 5% केसेस में हमारे पास जो सेरिबेलम है, जो बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है, वो डैमेज होगा तो एटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी होगी। मिक्स्ड में क्या होगा कि 2 मोटर टाइप्स प्रेजेंट होंगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ये टाइप है हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी। स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी का जो मेन फीचर होता है वो टोन होती है, मसल की टोन स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी में ज़्यादा हो जाएगी। लाइक इसमें आप देख सकते हैं ये साइड बॉडी की ये क्या होगी, बेंड है, क्योंकि इस साइड पे जो मसल्स हैं वो ज़्यादा स्टिफनेस की तरफ चले गए हैं, स्टिफ हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स बन गए हैं। तो ये दिस आर्म स्टिफन और बेंट हो चुका है, ये लेग भी क्या हो चुकी है, स्टिफ हो चुकी है और बेंट है, बेंट हो चुकी है इसी तरह। और जब चाइल्ड जो स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी वाला होगा वो चलने की कोशिश करेगा तो कोई ऑकवर्ड पोजीशन बनेगी, विद नीज पुल टुगेदर एंड बेंट होंगे एंड फीट ऑफन टर्निंग, अंदर की तरफ उसके फीट होंगे। ये आप देख सकते हैं ये हेमिप्लेजिक स्पास्टिक है, ये डायप्लेजिक है, इसमें क्या है दोनों लोअर लिम्स इन्वॉल्व हैं, और ये है हमारे पास क्वाड्रीप्लेजिक। क्वाड्रीप्लेजिक में अपर और लोअर दोनों इन्वॉल्व होंगे। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी अगर हम थ्योरी देखें तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है सेरेब्रल पाल्सी की। इट इज़ करेक्टराइज बाई इंक्रीज इन टोन ऑफ मसल्स। इसमें क्या होगी, जो मसल होगा उसकी टोन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो किड होता है सेरेब्रल पाल्सी, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी का, हम उसको हाइपरटोनिक किड भी कहते हैं। द स्पास्टिसिटी मे बी प्रेजेंट इन ऑल द लिम्स एंड हाफ ऑफ द बॉडी। सब लिम्स में भी हो सकती है और हाफ में भी हो सकती है। इंक्रीज टोन रिजल्ट इन फॉल्टी पोस्चर हो जाएगा, रिजल्टिंग इन कॉन्ट्रेक्चर और डिफॉर्मिटी बन जाएगी। और ऐसे जो किड्स होते हैं वो इरिटेबल होते हैं। स्पास्टिसिटी इंक्रीज़ करती है जब चाइल्ड अपसेट होगा और या एक्साइटेड होगा। और ये जो किड्स होते हैं यूजुअली सफ़र करते हैं मेंटल रिटार्डेशन से, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आती हैं इनको, डिफ़िकल्टी आती है मोटर लर्निंग में एंड डिलेड माइलस्टोन होंगे इनके। नेक्स्ट है हमारे पास एथेटॉयड सीपी। एथेटॉयड सीपी का मेन फीचर होता है इनके आर्म और हैंड मूवमेंट। जो टिपिकली एथेटॉयड आर्म और हैंड मूवमेंट्स मे बी एज अ रेगुलर शेक और एज सडन स्पैज्म होगा आर्म और हैंड में, और जिससे क्या होगा अनकंट्रोल्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। जब बच्चा कुछ भी करने की कोशिश करेगा, व्हेन द चाइल्ड इज ट्राइंग टू डू समथिंग, तो अचानक से अनकंट्रोल्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। और इनमें जो बैलेंस भी होता है मोस्टली पुअर होता है। देयर मे बी इरिदमिकल इरेगुलर जर्की पर्पसलेस इनवॉलेंट्री रिदमिक मूवमेंट्स होंगी। दीज मूवमेंट्स आर प्रेजेंट एट रेस्ट और इंक्रीज होंगी एक्टिविटी से, और फटीक से क्या होंगी ये मूवमेंट्स कम हो जाएंगी। और ऐसे किड्स का यूजली जो आईक्यू होता है वो नॉर्मल होता है एंड यूजली गो टू नॉर्मल स्कूल। वन द किड्स मूव बोथ पार्ट्स ऑफ बॉडी मूव टू फास्ट और टू फार, द बैलेंस इज वेरी पुअर एंड फॉल्स फ्रिक्वेंटली। अवॉलेंट्री मूवमेंट्स आर इनकोऑर्डिनेटेड होंगे इनमें। अ फ्यू किड्स ऑल सफर फ्रॉम मूड डिसऑर्डर्स एंड ऑडिटरी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है हमारे पास एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। एटैक्सिक में हमने जैसे पहले देखा कि इसमें क्या होगा, सेरिबेलम डैमेज होगा। सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो इन किड्स की क्या होगी, मोस्टली अगर हम इनकी गेट देखेंगे तो वो वाइड बेस गेट होगी, क्यों इनको बैलेंस मेंटेन रखने में मुश्किल होगी। दीज किड्स हैव एटैक्सिक एंड हैव पुअर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। दिस इज़ बिकॉज डैमेज टू द सेरिबेलम, क्योंकि सेरिबेलम को डैमेज हुआ है और उसके पाथवेज को। साइंस ऑफ हाइपोटोनिया देखते हैं हम इसमें। इंटेंशनल ट्रेमर्स भी हो सकता है, डिसआर्थ्रिया बोलने में मसला हो सकता है एंड समटाइम निस्टैग्मस इज सीन। निस्टैग्मस क्या है, डांसिंग मूवमेंट ऑफ आइज।
द वॉलेंट्री मूवमेंट्स विल बी क्लम्जी होंगी, मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है इन बच्चों में, कॉमन है. वाइड बेस गेट इज सीन ड्यू टू इम्बैलेंस एंड फियर ऑफ फॉल. दीज किड्स हैव यूजुअली, इनका पुअर आईक्यू लेवल होता है विद विजुअल एंड ऑडिटरी डिफेक्ट्स. नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैसिड सेरिब्रल पाल्सी, इनको फ्लॉपी किड्स भी कहा जाता है. फ्लैसिड सेरिब्रल जैसे स्पास्टिसिटी में था कि टोन बहुत ज़्यादा हो जाती थी मसल की, जो फ्लैसिड है ये स्पास्टिसिटी का ऑपोजिट है. इसमें क्या होगा, लेस मसल टोन होगी एंड यूजुअली मेंटली रिटार्डेड. ये भी चिल्ड्रन मेंटली रिटार्डेड होते हैं. अब टोन इसमें क्या है, टोन कम है जिसकी वजह से जॉइंट सबलक्सेशन के चांसेस इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं. रिफ्लेक्सेस भी पुअर होते हैं. आर्म्स और लेग्स हैंग्स डाउन लाइक अ रैग डॉल. जो इनकी आर्म्स और लेग्स होती है वो हैंग कर रही होती हैं. दीज किड्स विल हैव डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग और ब्रीथिंग में इनको मसला होता है. और स्पीच इज डिफ़िकल्ट एंड इंटेलिजेंस में भी अफेक्टेड. नेक्स्ट है मिक्स सेरिब्रल पाल्सी. ये कम्बिनेशन होता है स्पास्टिसिटी का, एथेरोइड का और एटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी का. चिल्ड्रन विद दिस कंडीशन में हैव इश्यूज विद मूवमेंट्स इंक्लूडिंग स्पास्टिसिटी में और इनवॉलेंट्री मूवमेंट, इम्बैलेंस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है. थैंक यू सो मच. आई होप सो योर कंसेप्ट्स आर नाउ क्लियर. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.